बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अर्श हसीना। अपनी बीवी को कभी अपने सर का ताज मत बनाइए। एक बार बन गई तो फिर वो कभी आपको नहीं देखेगी और ना आप उसे देख पाएंगे। इसी तरह एक बीवी को भी अपने हावन को कभी अपने सर का ताज नहीं बनाना चाहिए। इन दोनों के लिए एक खास जगह है, इन्हें वहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के दिलों में इकट्ठे रहेंगे तो एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे। मियां बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते को सज़ा या कोई मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि जज़ा और फ़र्ज़ समझकर निभाइए। इसे अल्लाह की रहमत, इसे अल्लाह की नेमत समझिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। एक दूसरे की इज्जत कीजिए। किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है। इस रिश्ते को एक दूसरे के एहसास से मजबूत कीजिए और खुश रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, रब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी, और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए। एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा कीजिए। किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। और रमज़ान के इस महीने में जहां तक मुमकिन हो सके, जहां तक आप कर सके, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कीजिए और खुश रहिए। जज़ाकअल्लाह।